नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 19वें प्रश्न के अंदर पहुंच चुके हैं। और हमने देखिए 5 या 10 मिनट, 5 या 10 मिनट के अंदर 18 टॉपिक पढ़ लिए, 18 से 20 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये है अपना देखिए 19वां टॉपिक, जिसके अंदर ये क्वेश्चन था कि भाई आपको ये सुमेलित करना है, बस और कुछ नहीं था, मंदिर और स्थान। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है इस प्रश्न को देख कर कि आप ये सोचोगे कि ये मंदिर का टॉपिक दिया था। ये मंदिर का नहीं दोस्तों, ये एक मंदिर का तो सिर्फ एक ही प्रश्न था, बाकी ये तीनों के तीनों लोक देवियों के प्रश्न थे। आपको अगर ये दोनों टॉपिक अगर आप देखो तो एकदम अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये आपको द्वारिकाधीश जी का मंदिर है जो आपको कांकरोली राजसमंद के अंदर है, ये मंदिर के टॉपिक में देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों के तीनों मंदिर है ना, ये तीनों आप लोक देवियों में ही पढ़ोगे। ठीक है, ये आपको मंदिर में पढ़ने को कभी नहीं मिलेगा। तो आपको ये लोक देवियां हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो वैसे तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि भाई द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, ठीक है, सुंदर माता भीमाल जालौर, ये भी आपको आता था, आई माता का बिलाड़ा जोधपुर, जोधपुर तक आपको याद है। और ज्वाला माता, देखिए दोस्तों इसमें ये ज्वाला माता का मंदिर है तो जोबनेर जयपुर, ये तो रट आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया ये सब, ज्वाला माता जो जोबनेर जयपुर है ना, तो ये क्वेश्चन सरल था। लेकिन हम क्या करते हैं इसके अंदर मंदिर भी पढ़ लेते हैं और लोक देवियों को भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं उधर। तो दोस्तों मंदिर के बारे में हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, देखिए क्योंकि स्थान के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोई अगर ज्यादा कोई अच्छा मंदिर होगा जिसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। बाकी हम मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आपको सुनते जाना है, ये ध्यान रखना। आपको स्थान के बारे में मैं बताता जाऊंगा, दो दो बार बोल दूंगा एक शब्द को। तो तन्नोट माता का मंदिर, आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूँ कि तन्नोट माता का मंदिर कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का आप क्या देने वाले हो दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। जिनको आपको पता होगा सेना के जवानों की देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। तो तन्नोट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है, ये बात अच्छी तरीके से आप दिमाग में रखना अपने। ठीक है, और ये आपको पता होगा 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, तब भारत की जीत का प्रतीक और विजय स्तंभ भी यहाँ पे बना हुआ है, ये ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भटियाणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो भटियाणी माता का मंदिर है वो भी जैसलमेर के अंदर है। और बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। अगला जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि हेरम्ब गणपति जी का मंदिर कहाँ पर है, कपिल मुनि जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, भंड देवरा संडेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों और सुनारी देवी का मंदिर कहाँ पर है, मुक्ति धाम कहाँ पर है, तो इन सभी का आंसर एक ही होगा दोस्तों, वो होगा बीकानेर। लेकिन आपको ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि कपिल मुनि का मंदिर आगे आपको कोलायत दे दे, तो आप वो भूलना मत, कोलायत में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हेरम गणपति जी का मंदिर ये बीकानेर में ही है, बंडेश्वर और संडेश्वर का मंदिर ये भी बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना। और करणी माता का मंदिर अगर आएगा क्वेश्चन, तो आपके उस क्वेश्चन के आगे वो ऑप्शन के आगे सुमेलित करने के लिए देश नोक लिखेगा, तो आप उसको आराम से राइट कर देना, मुक्ति धाम मुकाम के अंदर है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि लोहागढ़ तीर्थ स्थान है ये कहां पर है, तो आपको ये बताना है। और लोहागढ़ कहां पर है, तो ये है झुंझुनू के अंदर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां पर है दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर अच्छे तरीके से सभी को बताया, दोसा के अंदर है। मुकुंद्रा का शिव मंदिर कहां पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुकुंद्रा नाम आते ही सबको बताया कोटा में ही होना है। विभीषण जी का मंदिर ये भी कैथुन में है, ये ध्यान रखना, कैथुन कोटा के अंदर ही है, और भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर यह कोटा में है। हरि मंदिर कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, गौरीबाई का मंदिर कहाँ है, तो इन और विजय राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर डूंगरपुर होगा। इतना डीप में नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में एक बार आपके रिविजन हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका सिरे का मंदिर कहाँ है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, तो ये देख लीजिए सुंदा माता का मंदिर ये आया था, एग्जाम में भी आ चुका है। और महोदरी माता का मंदिर कहाँ है, महोदरी माता का मंदिर दोस्तों ये जालौर के अंदर है, सुंदा माता का मंदिर जालौर के अंदर है, और सिरे का मंदिर भी जालौर के अंदर है। चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये है रणकपुर में मथई नदी के किनारे पर है, और ये है अपने पाली के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका निर्माण शिल्पी देपाक के द्वारा करवाया गया था, और आदिनाथ की चौमुखा यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। 1444 खंबे इस रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर है। गणे राव का मंदिर और स्वर्ण मंदिर
बस ये दो नाम आप ध्यान रखना, घणेराव का मंदिर भी पाली के अंदर है और स्वर्ण मंदिर भी पाली के अंदर है। तो दोस्तों ये मंदिर मैंने आपको बताया है ना, इनको अच्छी तरीके से याद रखना, और आपको शायद भी आप भी साथ साथ में अपने मिलान कर रहे हो मैं जैसे जैसे सवाल पूछ रहा हूँ। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लूँ तो इसका आंसर दोस्तों यही होगा कि सुजानगढ़ के चूरू में, चूरू के सुजानगढ़ में है, ये ध्यान रखना। सालासर बालाजी का मंदिर भी चूरू के अंदर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर भी चूरू के अंदर है, तो अच्छी तरीके से आप दिमाग में रखना। सीकर के अंदर देखिए हर्ष भैरू या हर्षनाथ या हर्ष महादेव का मंदिर है, हर्ष आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? तो ये सीकर के अंदर है, ये भी आप अच्छी हर्षगिरी की पहाड़ियों पर यह है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, अच्छी तरीके से सुन लिए, जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर है। और श्री खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? तो वो है दाता रामगढ़ तहसील खाटू गांव में श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है। और भैरू जी का मंदिर है वो रिंगस सीकर के अंदर आता है जहां पर है, और सुरणी धाम सूर्य मंदिर भी सीकर के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं हम। गंगा माता का मंदिर कहाँ है भाई? गंगा माता का मंदिर है भरतपुर के अंदर। सवाई भोज का मंदिर कहाँ है? सवाई भोज का मंदिर दोस्तों याद कर लीजिए आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। सवाई भोज का मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और आगे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको तो वो क्वेश्चन ये है कि वशिष्ठ जी का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो सिरोही के अंदर ही है, ध्यान रखना। अर्बुद देवी, अदर देवी या अंबिका देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये ध्यान रखना सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू के अंदर सिरोही के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आदिनाथ मंदिर, विमल वसई मंदिर है, नेमिनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, ये सारे आप। अचलेश्वर मंदिर है और सारणेश्वर जी का मंदिर है, तो ये है कहाँ पर? ये सिरोही के अंदर है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं संचाई माता का मंदिर कहाँ है, अदरशिला रामदेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये दोनों जोधपुर के अंदर है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और संचाई माता का मंदिर देखिए ओस वालों की कुल देवी है, ये जो संचाई माता का मंदिर है ये प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखना प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है। ओशियामे मंदिरों के समूह प्रतिहार वंश की देन है, जिसमें हरिहर मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, पीपला देवी का मंदिर भी है, तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर है ये। तो दोस्तों इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कल्कि मंदिर कहाँ है? कल्कि मंदिर संसार का एकमात्र पहला कल्कि मंदिर यहीं पर है। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, शिला देवी का मंदिर कहाँ है? शिला देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये है जयपुर में। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है? जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है? तो ये भी जयपुर के अंदर है। मीराबाई का मंदिर कहाँ है? तो नागौर के अंदर है, ध्यान रखना। और भंड देवरा का मंदिर कहाँ है? तो ये है बारा के अंदर, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। हाड़ौती का खजुराहो भी ये कहलाता है। भंड देवरा का मंदिर कहाँ है भाई? बारा के अंदर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये भी बारा के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। ब्राह्मणी माता का मंदिर भी बारा के अंदर है। और अगर मैं पूछूं गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। और बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण जी मंदिर भी जयपुर के अंदर है। और बस इतनी सी बातें हैं। और ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है जो ये है अपने बांसवाड़ा के अंदर है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का पहला मंदिर है जो अजमेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना आप। और बाकी तो इसके अंदर रंगनाथ जी का मंदिर है, बैकुंठ मंदिर है, वरा मंदिर है, ये मंदिर जयपुर अजमेर के अंदर है, सॉरी ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ना वो अजमेर के अंदर है, ये ध्यान रखना। जयपुर मैंने अगर गलती से बोल दिया तो क्षमा चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का पहला मंदिर अजमेर में है, दूसरा मंदिर है जो बांसवाड़ा में है। अंबिका देवी का मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। एकलिंग जी का मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। सास बहू का मंदिर है जो, या इसे कह दीजिए सहस्त्र बहू का मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है। और ऋषभ देव जी का मंदिर या केसरिया नाथ जी का मंदिर या काला जी का मंदिर, ये भी अपने उदयपुर के अंदर है। ये थे अपने मंदिर दोस्तों। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लोक देवियों के बारे में मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों आपका रिवीजन चल रहा है और हम देखिए अब लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना हम लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये दोस्तों नाम ऐसा ही लिखा जा रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है जिससे कि हम लिख सके, जैसे कि पेन है ऐसा हमारे पास नहीं है कि ये, और स्क्रीन भी छोटी है तो हमें अंगुलियों के माध्यम से ये नाम लिखने पड़ते हैं ना, तो ये ऐसा ही लिखे जाते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। आपको बस समझना है और ज्यादा कुछ आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि यह नाम कैसा लिखा क्या है ना। तो हम पढ़ने वाले जैसलमेर की लोक देवियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना, कि आवड़ माता का मंदिर है जो जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर के यहाँ पर ये लोक देवी, ये जो है आवड़ माता या आवक माता, हिंगलाज माता, इनका जो मंदिर है ये जैसलमेर के लोदरवा नामक स्थान पर है, ठीक
ठीक है। और अश्रुपूर्णा, बड़बड़ी माता, आशापुरा माता, इनका मंदिर है जो जैसलमेर के अंदर है, ये ध्यान रखना। तनोटिया माता का मंदिर भी जैसलमेर के अंदर है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जीण माता का मंदिर कहाँ है भाई, आपको बताना है जीण माता का मंदिर कहाँ पर है। तो जीण माता का मंदिर सीकर में है, ये ध्यान रखना, जीण माता का मंदिर सीकर में है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, पहले बकरे की बलि दी जाती थी और यहाँ पर अभी भी 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, और वर्तमान में केवल बकरे के जो कान हैं उनके वो चढ़ाते हैं, लोग आते हैं जो, ठीक है, श्रद्धालु। और भरतपुर के अंदर देखिए, मैं बता देता हूँ राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो भरतपुर कर देना। गंगा माता का मंदिर कहाँ है, तो ये भी आप भरतपुर कर देना। तो यहाँ पर है जो हमने पढ़ लिया, राजेश्वरी माता का मंदिर है और गंगा माता का मंदिर भरतपुर के अंदर है। सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो सुगाली माता का मंदिर आपको कर देना है दोस्तों, पाली के अंदर है। सुगाली माता का मंदिर पाली के अंदर है, सुगाली माता का मंदिर। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। घेवर माता का मंदिर है, इनका मंदिर रासमंद झील की पाल पर स्थित है। चार भुजा देवी इसका मंदिर खमनो रासमंद में है। आमजा माता या के इनका मंदिर है जो रासमंद के अंदर है, ये ध्यान रखना। बड़ली माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, भदाड़ा माता का मंदिर है कोटा के अंदर, और ये बातें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और आगे जो है अपने आई माता का मंदिर कहाँ है, आई माता का देखिए, अभी जो क्वेश्चन में भी आ गया था आपका, तो आई माता का मंदिर कहाँ है, तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना था। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। संचयाई माता का मंदिर कहाँ है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ओशिया जोधपुर के अंदर संचयाई माता का मंदिर है। और नागनेची माता का मंदिर कहाँ है, तो ये भी एक मंडोर के अंदर जोधपुर में ही है, ठीक है। और चामुंडा माता का मंदिर है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। लटियाल माता या लुटियाल माता, इनका मंदिर भी फलोदी जोधपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना। हमने जोधपुर की जो लोक देवियां उनके बारे में पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ने वाले हैं अब नागौर के बारे में। तो नागौर के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान सुन लीजिए कि दधी माता का मंदिर नागौर के अंदर है और दादीच ब्राह्मणों की यह कुल देवी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर देखें तो कुशाल माता का मंदिर है जो भीलवाड़ा के अंदर है, ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर है कुशाल माता का मंदिर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। त्रिपुर सुंदरी या तरतई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, ये बारा के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, तो ये है बारा के अंदर, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा के अंदर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, केला देवी का मंदिर देखिए करौली के अंदर है, ये ध्यान रखना, करौली के यदुवंशी राजवंश की ये कुल देवी है। और नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, तो नारायणी माता का मंदिर अलवर के अंदर है। और जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, वो भी अलवर के अंदर है, अच्छी तरीके से सुन लीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर में देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ करणी माता जी का मंदिर बीकानेर के अंदर है, ठीक है, चारणों की कुलदेवी जिन्हें कहा जाता है। और बीकानेर के अंदर यही एक ही आपको पढ़ना था मंदिर, और देशनो के अंदर है, ये ध्यान ही आपको अच्छी तरीके से करणी माता का तो सबको याद है। सती माता का मंदिर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सती माता का मंदिर है जो झुंझुनू के अंदर है, सती माता का मंदिर कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है। और अगर देखिए सकराई या साकंबरी माता का एक मंदिर है जो झुंझुनू के अंदर है, और शारदा देवी का मंदिर भी झुंझुनू के अंदर है। अगर देखा जाए कि सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन से मंदिर है, तो सवाई माधोपुर के अंदर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है और चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है सवाई माधोपुर के अंदर। लास्ट एंड लास्ट फाइनल अपना बचता है, तो वो है जयपुर, जयपुर के अंदर अपन देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके आ सकता है। शिला देवी का मंदिर है, आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी थी ये। और आगे देखें तो छींक माता का मंदिर जयपुर के अंदर है, और शीतला माता का मंदिर ये भी जयपुर के अंदर है, शीतला माता का मंदिर भी जयपुर के अंदर है, और साकंबरी माता का मंदिर भी जयपुर के अंदर है, जिनका निर्माण आपको पता होगा वासुदेव चौहान ने करवाया था। जमुआई माता, अन्नपूर्णा माता, ये जो है कछवा वंश की कुल देवी थी। जमुआई माता कौन थी, कछवा वंश की कुल देवी थी, इनका मंदिर भी जयपुर के अंदर है, और जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये चाकसू जयपुर के अंदर है। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है, अच्छे तरीके से ध्यान कर रखना, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इस चीज को। और ज्वाला माता का मंदिर जो आपके क्वेश्चन में आ चुका है, जो जॉब ने जयपुर के अंदर है। दोस्तों हमने शॉर्ट रूप में और अच्छी तरीके से एक दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 14 मिनट लगे हैं, 7-7 मिनट के अंदर ये दो टॉपिक कंप्लीट हुए। मंदिर और लोक देवियां जिनको पढ़ाने के लिए कम से कम 2-2 घंटे लोग लेते हैं, तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि हमारा शॉर्ट टाइम में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कुछ नहीं, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।